चलिए तो बेटा सिमुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपन बाय चेंजिंग द प्लान और अपन सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। सिमुलेशन की एग्जाम में इंपॉर्टेंस सर है क्या? बिल्कुल है बेटा, पहले ही मैं आपको बता दूं चैप्टर की एग्जाम में इंपॉर्टेंस ज्यादा है सिमुलेशन चैप्टर की, तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करें। सिमुलेशन इज मच इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए बेटा सिमुलेशन क्या काम आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ सिमुलेशन, आखिर सिमुलेशन काम क्या आता है। देखिए बेटा सिमुलेशन इज ए फॉरकास्टिंग टूल, सिमुलेशन इज ए फॉरकास्टिंग टूल, मतलब सिमुलेशन के थ्रू अपन फॉरकास्ट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर, तो फ्यूचर में आने वाले इवेंट्स के लिए फॉरकास्ट करने के लिए सिमुलेशन काम आता है। एक अपन ने डिमांड फॉरकास्टिंग पढ़ा था, डिमांड को फॉरकास्ट करने के काम आता है, मतलब डिमांड फॉरकास्टिंग के थ्रू ओनली डिमांड फॉरकास्ट हो सकती है। सिमुलेशन के टेक्निक के थ्रू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन यू कैन फॉरकास्ट, आप फॉरकास्ट कर सकते हैं कल बारिश होगी या नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द पास्ट पैटर्न, प्रीवियस पैटर्न। आप प्रीवियस डिमांड दे दो, सिमुलेट कर सकते हो, मतलब फॉरकास्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या डिमांड होगी, मतलब एनी काइंड ऑफ थिंग कैन बी फॉरकास्टेड और सिमुलेटेड थ्रू सिमुलेशन। सिमुलेशन का जो बेटा मेथड अपन फॉलो करते हैं उस मेथड को बोला जाता है मोंटे कार्लो सिमुलेशन। मोंटे कार्लो सिमुलेशन, सिमुलेशन के अंदर होता क्या है, कुछ पास्ट डेटा आपको दे दिया जाता है, उसी पास्ट डेटा के बेसिस पर फ्यूचर के लिए आपको फॉरकास्ट करवाया जाता है, एस्टिमेट करवाया जाता है। अब यहां पर बेटा अपन सिमुलेशन को समझने के लिए एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। बेसिक मीनिंग देख लिया, टू फॉरकास्ट अबाउट फ्यूचर रैंडम सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ सम पास्ट डेटा, पास्ट डेटा के बेसिस पर फ्यूचर के लिए फॉरकास्ट करना। मेथड जो फॉलो करेंगे उस मेथड को बोला जाता है बेटा मोंटे कार्लो सिमुलेशन। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे सिमुलेशन जो है वो यूज में आता है। फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ डिमांड ऑफ ब्रेड इन पास्ट 6 days, पिछले 6 दिनों के ब्रेड की डिमांड हमको दे रखी है, पिछले 6 दिन दे दिए और उनकी डिमांड की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे दी हमको, ठीक है। यहां पर जो है प्रोबेबिलिटी नहीं होना चाहिए, ये तो उल्टा सीधा लिख रखा है, इस कॉपी में ही गलती है, लेटेस्ट चेंज। तो ब्रेड की डिमांड जो है बेटा वो अपन को 6 day की दे रखी है। दीज आर द डेज, दीज आर द प्रोबेबिलिटी और दीज आर द डिमांड, ये डेटा हमको दे रखा है। अब देखो बेटा सिमुलेशन का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, प्रोबेबिलिटी फॉर श्योर वहां पर होगी। सिमुलेशन मतलब प्रोबेबिलिटी होगी ही होगी, आप ये ध्यान रखिए। विदाउट प्रोबेबिलिटी सिमुलेशन का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं होगी तो फिर फ्रीक्वेंसी दी होगी, फ्रीक्वेंसी से प्रोबेबिलिटी बना लेना, और फ्रीक्वेंसी भी नहीं तो परसेंटेज दिए होंगे, परसेंटेज से प्रोबेबिलिटी बना लेना। जैसे 100% है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, डिवाइड बाय 100 कर दो, मतलब अगर परसेंटेज में कोई भी डेटा है और उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करना होता है। तो यहाँ पर हमें देखिए पिछले 6 days की ब्रेड की डिमांड दे रखी है, फिर आगे क्या बोला, सिमुलेट एस्टिमेट डिमांड फॉर अपकमिंग 10 days, आने वाले 10 दिनों की डिमांड को सिमुलेट करो या एस्टिमेट करो थ्रू मोंटे कार्लो सिमुलेशन। इफ रैंडम नंबर इज, रैंडम नंबर दे रखे हैं 18, 29, 55। सर ये रैंडम नंबर क्या होते हैं? रैंडम नंबर ऐसे समझ लीजिए कि फ्यूचर में आने वाली सिचुएशंस है जिनको नंबर्स में बताया गया। कल क्या होगा, कल कैसी सिचुएशन रहेगी, 25, 25 मतलब यहाँ पर क्या होता है कि फ्यूचर में आने वाली सिचुएशंस को नंबर्स में डिनोट किया जाता है। इनकी लैंग्वेज ही ऐसी है कि फ्यूचर में क्या सिचुएशन आने वाली है उसको नंबर्स में बताया जाएगा। तो इसी वजह से ये फ्यूचर में आने वाली सिचुएशन है एक तरीके से, ये रैंडम नंबर जो है, और ये जो डेटा है ये पास्ट का डेटा है जो हो गया है। इसी पास्ट डेटा के बेसिस पर इन फ्यूचर के बारे में हमें एस्टिमेट करना होता है। कैसे करें, क्या होता है, सब कुछ बातें अपन यहाँ पर करने वाले हैं। ध्यान रखना रैंडम नंबर क्या है, random number are the future situations which are denoted in numbers. future में आने वाली situations है जिनको number में, मतलब इन्हीं situations के लिए हमें निकालना है कि कितनी demand होगी अगले आने वाले 10 दिनों की। ये situations है, 10 random number है, इन्हीं के लिए निकालना है कि कितनी demand होगी। तो ध्यान रखिए बेटा कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन करते हैं अपन, चलिए लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा हमको क्या करना होता है, ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसका क्यूमुलेटिव करना होता है फ्यूचर के लिए एस्टिमेट करने के लिए। सिमुलेशन में दो टेबल बनती है, फर्स्ट इनिशियल सॉल्यूशन की टेबल, सेकंड सिमुलेशन टेबल बनती है। तो ऑलवेज जो फर्स्ट इनिशियल सॉल्यूशन की टेबल बनती है ना वो ऑलवेज सेम रहेगी, दैट विल बी सेम ऑलवेज सेम रहेगी। और उसमें क्या बनाना है, देखिए बेटा जो इनिशियल टेबल बनती है ना उसमें सबसे पहले तो हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन में जो गिवन होता है वो डेटा ले, फॉरकास्टिंग करने के लिए प्रोबेबिलिटी का क्या किया जाता है, क्यूमुलेटिव किया जाता है। प्रोबेबिलिटी का क्यूमुलेटिव, ये जो प्रोबेबिलिटी हमको दे रखी है जैसे 0.3, 0.10 और ऐड करेंगे तो 0.40, 0.20 और ऐड करेंगे तो 0.60, 0.65, फिर 0.20 ऐड करेंगे तो 0.85 और 0.15 को ऐड करा तो 1.00। ये क्यूमुलेटिव कर लिया। इनिशियल टेबल में दो काम होते हैं, फर्स्ट थिंग प्रोबेबिलिटी का क्यूमुलेटिव करना, सेकंड थिंग रेंज बनाना। ये रेंज बड़ी काम आने वाली है, अभी आपको आगे पता चलेगा। इनका सबका अपन देखेंगे कि कैसे ये आपस में कनेक्टेड है सारी। ये फॉरकास्टिंग करने के लिए ही प्रोबेबिलिटी का क्यूमुलेटिव किया जाता है और रेंज बनाई जाती है। रेंज कैसे बनानी है, देखो बेटा रेंज जो है ना बेटा वो 0 से स्टार्ट होगी। और रेंज बनाते टाइम ध्यान रखना ये जो आपकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के नंबर है ना, ये जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के नंबर है आपको इन्हें फुल नंबर पढ़ना है। मतलब इसको 0.30 ना, इसको 30 पढ़ना है, ये 40 है, ये 60, ये 65, 85 और 100 है। अब कैसे हम यहाँ पर रेंज बनाए, देखिए रेंज कैसे बनाए। रेंज 0 से स्टार्ट होगी और जो ये नंबर है उससे एक कम पर खत्म हो जाएगी। तो 0 से कहां तक चलेगी, एक मिनट, अरे जीरो से शुरू होगी और एक जो नंबर है उस पर खत्म हो जाएगी, मतलब 30 से एक नंबर कम, 29। फिर नेक्स्ट में क्या होता है बेटा, ये जो नंबर है इसी से एक बढ़ के 30 और इससे एक कम पर खत्म होगी, मतलब 39। फिर इससे एक नंबर बढ़ाओ 40। इसको बोलते हैं बेटा अपन इंक्लूसिव सीरीज, मतलब इंक्लूसिव सीरीज बनानी है स्टैटिक्स में अगर आपने बनाई हो तो। इससे एक कम 59। देन मतलब ये वाला जो नंबर होता है ना, ये वाला नंबर देखो नेक्स्ट वाले की स्टार्टिंग बनता है और जो नंबर है उससे एक कम, मतलब 65 है तो 64। फिर एक नंबर बढ़ा दो 65 और इससे एक कम 84, 85 और इससे एक कम नंबर 99। मतलब इस तरीके से हमको रेंज बनानी है। रेंज विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और जो नंबर है उससे एक कम पर खत्म होगी, तो 0 to 29। नेक्स्ट वाली रेंज में जो नंबर है वो कॉमन नहीं रहेगा, नेक्स्ट नंबर होगा, क्योंकि इंक्लूसिव सीरीज का रूल है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम नहीं होता। तो 29 क्या 30 से स्टार्टिंग हुई और जो नंबर है एक कम पर खत्म हुई। फिर 40 से स्टार्टिंग हुई और जो नंबर है उससे एक कम पर खत्म हुई। ये रेंज बनाना बेटा समझे कि नहीं समझे मुझे बताइए, कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो मुझे जल्दी से बताइए। यहाँ तक क्लियर है जल्दी से, इनिशियल टेबल का पार्ट क्लियर है क्या बेटा, यस और नो जल्दी से बताइए। कोई डाउट है मुझे पूछिए। क्यूमुलेटिव करनी है प्रोबेबिलिटी और रेंज बनानी है उससे, ये दो काम आपको क्लियर होने चाहिए अभी तक, टिल नाउ। ये आगे हमें काम में लेने हैं, अभी काम आएंगे आगे। अब देखिए बेटा हमने रेंज बना ली, यहां तक का काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, आगे आने वाले 10 दिनों के लिए सिमुलेट करना है, फोरकास्ट करना है। तो देखो जो नेक्स्ट टेबल बनती है ना सिमुलेशन टेबल, मैं आपको यहीं पर बना करके बताता हूँ। सिमुलेशन टेबल जो बनती है बेटा वो कैसे बनती है? देखिए बेटा, सिमुलेशन टेबल के स्टार्टिंग के दो कॉलम ऑलवेज फिक्स रहेंगे, दो टेबल बनती, इनिशियल भी फिक्स्ड है, इनिशियल में प्रोबेबिलिटी का क्यूमुलेटिव करना और रेंज बनाना ऑलवेज फिक्स्ड है ये काम। ऐसे ही सिमुलेशन टेबल में दो काम, पहला डे का, मंथ का या सीरियल नंबर जो भी है वो यहाँ पर आता है, सेकंड कॉलम जो है वो रैंडम नंबर का बनता है, मतलब फ्यूचर में आने वाली रैंडम सिचुएशन जिनके लिए हमको फॉरकास्ट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में आने वाले 10 डेज के लिए देखिए हमको फॉरकास्ट करना है, तो डेज कितने हो गए 10, ये 10 डेज के लिए हम फॉरकास्ट करने वाले हैं। अगले आने वाले 10 दिनों की हम क्या बताने वाले हैं, डिमांड बताने वाले हैं इस डेटा के थ्रू। और आपको बता दूं ये जो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ऐसा ही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आता है जो ये फर्स्ट कर रहे हैं वो। अब देखिए रैंडम नंबर क्या क्या दे रखे हैं, 18, 29, ये रहे रैंडम नंबर देखो अपने सारे, 55, 08, 79, 89, 22, 91, 77 और 49। अब बेटा आगे का जो भी कॉलम है सिमुलेशन में ये क्वेश्चन की डिमांड पर बनता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन ने बड़ी छोटी सी एक ही डिमांड रखी, डिमांड क्या रखी, निकालनी डिमांड है, फ्यूचर में आने वाली डिमांड निकालनी है, तो जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसका कॉलम बनता है नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है डिमांड, तो नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा डिमांड का। अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है तो ज्यादा भी कॉलम्स बन सकते हैं। अब कैसे निकाले अपन, देखिए ये वाली टेबल जो है अपन क्लियर कर चुके हैं, बना चुके हैं, क्यूमुलेटिव रेंज, फ्यूचर की रैंडम सिचुएशन ये रही हमारे सामने जो रैंडम नंबर के रूप में हमने लिख ली है। अब देखिए बेटा ये रैंडम नंबर को फॉरकास्टिंग करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट डे का रैंडम नंबर है 18, इस रैंडम नंबर को इस रेंज में देखा जाता है बेटा कि इस रेंज में वो कहां फॉल कर रहे हैं। तो अगर आप 18 देखोगे बेटा तो 18 इस रेंज में फॉल करेगा, 0 to 29, तो देखिए 0 to 29 की रेंज पे डिमांड कितनी रहती है, अगर 0 से 29 के बीच में आप रहते हो तो डिमांड होगी 10। अच्छा सर एक बार और देखते हैं 29 कौन सी रेंज में, यहां आकर के देखो रैंडम नंबर को इन रेंजेस में देखो और उस रेंज के सामने जो डिमांड होगी वही डिमांड फ्यूचर में होने वाली। तो यहाँ पर देखिए 29 पर अगेन इसी अब में आ रहा है, डिमांड कितनी रहने वाली है 10। आप लोग बताइए मुझे 55 पर डिमांड कितनी रहेगी, जल्दी से सभी मुझे बताइए, सबका आंसर चाहिए मुझे, 55 पर कितनी डिमांड रहेगी देख करके बताओ मुझे, जल्दी से देख के मुझे बताओ 55 पर कितनी रहेगी। 20, 20, 20, 15, 20 ऑन अगेन, सब जल्दी सभी बताइए बेटा क्या रहने वाली। तो सर 55 कौन सी रेंज में आएगा, 55 इस रेंज में आएगा सर 40 to 59 की, तो इस रेंज पर हमारी डिमांड कितनी है 20 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20। आगे देखते हैं 8 तो फर्स्ट रेंज में आएगा, 10 की डिमांड। इसके बाद देखते हैं 79 देखते हैं बेटा, सर 79 इस रेंज में आ रहा है देखो और इस रेंज पर है 30। इसी तरीके से 89 भी इसी रेंज में आ रहा है, 30 की डिमांड रहने वाली है। 22 फर्स्ट रेंज में आ रहा है, 10 की डिमांड। 91 इस रेंज में आएगा, 40 की डिमांड रहने वाली। 77 इस रेंज में आ रहा है बेटा, 77 पर 30 की रहने वाली है। 49 इसमें आएगा, 20 की रहने वाली है। ये निकल गई डिमांड और इसका हम कर देंगे टोटल तो हमें आंसर मिल जाएगा। 89 यहाँ पर क्या है फिर 84 है, अच्छा यहाँ 84 है, 9 नहीं है। अब अपनी निकल जाएगी टोटल डिमांड। इससे निकल गई हमारी टोटल डिमांड। जल्दी से टोटल करेंगे तो टोटल डिमांड निकल जाएगी। इसका टोटल कर लेते हैं। देखो अब ट्वेंटी हो गया, 40, 50, 80, 120, 130, 170, 200 and 220 टोटल डिमांड आ गई। फॉर एग्जाम्पल हमें ये बोलता है कि एवरेज डिमांड निकालो, एवरेज डिमांड निकालो। तो एवरेज डिमांड कैसे निकालेंगे? टोटल डिमांड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। तो टोटल डिमांड 220 आई है कितने डेज में? 10 डेज में। तो एवरेज डिमांड कितनी आ जाएगी सर? 22 पर डे आ जाएगी। ये हमारी एवरेज भी निकल गई, अगर एवरेज निकालने की बोलता है हमें क्वेश्चन। सो दिस इज द बेसिक थिंग, ये बेसिक चीज है जो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब और भी एग्जाम्पल करते हैं। आइए बेटा बताइए, मेन बेसिक कंसेप्ट हो गया बेटा सिमुलेशन का। जो मेन अपना बेसिक कंसेप्ट है सिमुलेशन का वो हो गया, मतलब जो एग्जाम में भी आता है ना, आप एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे जो जनरली आया है वो इसी टाइप से आया है। एक मिनट, तो जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो बेटा हमारा हो चुका है रिलेटेड टू सिमुलेशन। आइए और कुछ भी देखते हैं अपन। सिमुलेशन के और कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं बेटा। आइए चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये भी बेसिक और अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। यहां पर देखिए बेटा क्या बोला गया, इलस्ट्रेशन नंबर 16 में एन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लाइन टर्न्स आउट 100 कार्स अ डे। ऑटोमोबाइल कंपनी है, 100 कार बनाती है पर डे की। बट डेविएशन अकर ओइंग टू मेनी कॉजेज, द प्रोडक्शन इज मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब बाय द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन। 100 बनाती है लेकिन कम ज्यादा भी होता रहता है, फिक्स नहीं है कितना होगा, कितना होता रहता है ये दे रखा है, इतने से लेकर के इतने तक बन सकती है। 95 से लेकर के 105 तक की पॉसिबिलिटी है बनने की। फिनिश्ड कार्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द बे, जो कार कंप्लीट बन जाती है उसको अक्रॉस द बे दूसरे किनारे पर भेजा जाता है। एट द एंड ऑफ ईच डे बाय फेरी, फेरी के थ्रू, और फेरी में स्पेस है 101 कार्स का। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या सिचुएशन है, ये हमारा प्लांट है और यहाँ से जो है वो नदी बहती है। और इधर रोड है, हमारी कार्स यहां बनती है। कार्स को यहां बना करके जहाज के थ्रू उसमें कार्स को भर के इस किनारे पर पहुंचा दिया जाता है। और इसमें कितनी जगह है? 101 कार्स की जगह है। अगर हमने ज्यादा बना दी, फॉर एग्जाम्पल 103 बना दी तो क्या होगा? तो सर 2 कार यहीं रह जाएगी और 101 ही जा पाएगी। और अगर किसी दिन हमने 99 कम बना दी मान लीजिए तो क्या होगा? तो सर सारी कार्स इसमें चली जाएगी, बल्कि इसके अंदर 2 की जगह जो है वो खाली भी रह जाएगी। दिस इज द सिचुएशन। तो मतलब कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और हो सकता है एग्जैक्ट भी हो जाए। क्या पूछ रहा है देखिए आगे, व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ कार वेटिंग टू बी शिफ्ट। एवरेज नंबर ऑफ कार वेटिंग टू बी शिफ्ट मतलब कितनी कार्स वेट करती रह जाएगी ये निकाल के हमें बताना है। एंड व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑन द बोट, और कितनी बार फेरी में, बोट में खाली जगह रह जाएगी ये भी हमको बताना है। और रैंडम नंबर हमें गिवन है। बिल्कुल ये काम अभी कर देते हैं। इनिशियल टेबल हमेशा की तरह सेम रहती है, तो पहले आइए वो टेबल बना लेते हैं। इनिशियल टेबल सर हमने बना ली है। ये सारे प्रोडक्शन जो हमें दे रखे हैं, गिवन है, ये हमने सर सभी प्रोडक्शन लिख लिए हैं एज इट इज क्वेश्चन से, और उनकी प्रोबेबिलिटी भी हमने क्वेश्चन से लिख ली है। हमें क्या करना होता है सर, पहले क्यूमुलेटिव करना होता है प्रोबेबिलिटी का, और फिर उससे रेंज बनानी होती है। तो हमने क्यूमुलेटिव कर लिया है 0.03, फिर 0.05 जोड़ा तो 0.08, 0.07 ऐड किया तो 0.15, ऐसे करके हमने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल ली। एंड में टोटल में 1 ही आने वाला है। फिर इसी प्रोबेबिलिटी से हमने रेंज बना ली। रेंज बनाते टाइम इन्हें फुल नंबर रीड करना होता है, मीन्स ये 3 है, 0 से स्टार्ट होगी और जो नंबर है उससे 1 कम पर खत्म होगी, तो 0 to 2 बनेगा। फिर नेक्स्ट वाला 3 से स्टार्ट और इससे 1 कम पर खत्म 7, फिर नेक्स्ट वाला 8 से स्टार्ट और इससे 1 कम 14 पर खत्म। ऐसे करते हमने रेंज बना ली। रेंज का आखिरी डिजिट ऑलवेज 99 ही आएगा। रेंज क्या है, रेंज फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज बताती है हमको। रेंज में कभी भी 100 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 100% श्योर कुछ हो ही नहीं सकता, और ये रेंज फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए बनती है, इसीलिए इसमें 100 नहीं मिलेगा। 100 इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 100% श्योरिटी किसी चीज की नहीं हो सकती फ्यूचर। तो ये चीज तो यहाँ पर हो गई सर। अब हमें 2 चीजें निकालनी है। 2 चीजें निकालने से पहले हमको ये तो पता कर ले कि प्रोडक्शन कितना होने वाला है, फिर ही तो बताएंगे कि कितनी कार वेट करेगी, कितनी की जगह खाली रहेगी। तो हमको देखो यहाँ पर कुछ रैंडम नंबर दे रखे हैं। इन रैंडम नंबर की मदद से आने वाले जितने भी रैंडम नंबर है, डेज तो बोला नहीं है, तो जितने भी रैंडम नंबर है उन्हीं के लिए अपन क्या कर देते हैं, फॉरकास्ट कर देते हैं, सिमुलेट कर देते हैं। क्योंकि डेज नहीं बोला है इसलिए हमने यहाँ पर सीरियल नंबर यूज करे हैं। बेटा ये देखिए सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर वाइज रैंडम नंबर जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लिए। जैसा अभी अभी इन रैंडम नंबर्स को देख करके डिमांड निकाली थी, वैसे ही इन रैंडम नंबर्स को उस रेंज में देख के अब डिमांड की जगह बस प्रोडक्शन निकल जाएगा। तो ये लो सर अभी निकाल लेते हैं। जैसे हमने 20 देखा, 20 को देखिए इस रेंज में कहाँ पर आ रहा है, ये रहा, यहाँ पर आएगा 20। तो 20 पर कितना प्रोडक्शन होने वाला है, 98, ये हमने लिख दिया देखो। इसी तरीके से नेक्स्ट 63 देखते हैं कहाँ आने वाला है, ये रहा, और 63 पर जो हमारी प्रोडक्शन होने वाला है वो 101 का ये होने वाला है। तो इस तरीके से अपन देख करके ये सारी चीजें निकाल लेंगे। बड़ा आसान है सर, यहाँ तक तो सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन ही चल रहा है। अब यहाँ पर हमें 2 चीजें मांगी है। कार वेटिंग टू बी शिफ्ट, मतलब कितनी बार ऐसा होगा कि कार को ही वेट करना पड़ेगा, और कितनी बार ऐसा होगा कि एम्प्टी स्पेस इन फेरी रह जाएगा, और फेरी में कितनी जगह 101 की। ठीक है बेटा, चलो आप मुझे बताओ, हमने 98 का प्रोडक्शन किया है, फेरी में कितनी जा सकती है, 101। तो बताओ यहाँ पर कार्स वेट करती रह जाएगी या फिर फेरी खाली जाएगी, बताओ। फेरी ही खाली चली जाएगी या कार्स वेट करती रह जाएगी, यहाँ पर बताओ। 101 की जगह है, तो सर हमने बनाया ही 98 है, तो किसी भी कार को वेट तो करना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि फेरी में एम्प्टी स्पेस बच जाएगा 3 का। तो ये देखिए बेटा 3 का एम्प्टी स्पेस बच गया है। नेक्स्ट में हमने 101 बनाई और जगह भी तो 101 की है, तो ना तो कोई वेट करेगा और ना ही कुछ खाली रहा। देखिए नेक्स्ट हमने 100 बनाई, फेरी में जगह 101 की होती है, इट मींस अगेन 1 कार की जगह खाली जाएगी। देखो वेट तो किसी को नहीं करना पड़ा, 1 की जगह खाली गई। ऐसा ही 98 में भी यही हो गया बेटा, 98 में भी यही हो गया। एक मिनट रुकिए, कुछ तत्व ऐसे आ जाते हैं। अब इसके बाद में 100 बनाई हमने, 1 की जगह खाली रह जाएगी। देखो 98 में तो 3 की जगह खाली, फिर 1 की। यहां तक तो सेम है। चलो आइए एक नए कंसेप्ट पर आते हैं, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो 103 बना दी, फेरी कितना ले जा सकती, सब फेरी तो 101 ही ले जा सकती। इट मींस 2 कार हमारे यहाँ प्लांट में ही पड़ी रहेगी, वो जा ही नहीं पाएगी। तो वो क्या करती रहेगी, वेट करती रहेगी कार। तो हमने देखो अभी इस साइड में कार्स वेटिंग टू बी शिफ्ट में 2 कार रह गई, एम्प्टी स्पेस तो गया नहीं, बल्कि पूरी फेरी भर गई, 101 ले गई, वो उल्टा 2 छोड़ करके भी चली गई। जैसे ही हमने 99 बनाया, एक बेटा इसमें 2 अजम्पशन चलती है, ध्यान रखना। एक अजम्पशन ये होती है कि सर ये जो 2 बच गई थी वो नेक्स्ट डे जानी चाहिए ना, पहली assumption जो चलती है और लॉजिकल भी है, लेकिन यहाँ पर डे बाय डे हमको सिमुलेट करने को बोला गया है और हमारा मॉड्यूल भी उसी को फॉलो करता है। तो ये वाला दिमाग हमको नहीं लगाना है कि जो 2 बज गई थी ना वो अगले दिन भी जाएगी ना, बट वो लॉजिकल है, लेकिन हमारा मॉड्यूल डे बाय डे की बोल रहा है, तो इसलिए हम अलग अलग डेज की ही कैलकुलेट कर रहे हैं। 99 बन गई, 99 बन गई तो सर वेट तो कोई नहीं करेगा, उल्टा 2 की जगह खाली रह जाएगी। 102 बन गई, क्या होगा बताओ? फेरी तो कितना ले जा पाएगी? 101, मतलब एक कार जो है वो शिप का वेट करती रहेगी। इसी तरीके से हमने सारी सिचुएशन के लिए ये निकाल लिए, होपफुली आप इसको आराम से निकाल लीजिए। तो कार्स वेटिंग टू बी शिप्ड में 6 कार्स आ गई और कार फेरी के अंदर एम्प्टी स्पेस जो रहा वो 18 रह गया। अब इसका हमको एवरेज पूछा है, आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो पूछा है व्हाट इज द एवरेज एम्प्टी स्पेस इन फेरी और एवरेज कार वेटिंग टू बी शिप्ड। तो ये जो डेटा है वो 15 नंबर ऑफ डेटा है, तो जो भी आया उसको 15 से डिवाइड कर देंगे। वेटिंग टू बी शिप्ड का टोटल आया है 6, डेटा 15 है, 15 से डिवाइड करा 0.4 कार आ गई। एम्प्टी स्पेस का टोटल आया है 18 और डेटा नंबर ऑफ डेटा है 15, डिवाइड कर दिया 1.2 कार आ गई। बताइए बेटा ये क्लियर है कि नहीं, या किसी का कोई डाउट है जल्दी से मुझे बताइए, यस और नो। जल्दी से बेटा कंफर्म करिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो। जल्दी से कोई डाउट है तो डाउट भी पूछ लीजिए बेटा, जल्दी से मुझे बताइएगा सर, जो भी डाउट है आप पूछ लीजिए। और मेक श्योर कि आप फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे जिसने कभी पढ़ा ही नहीं। कोई है ऐसा जो मुझे बताओ फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं, ओनली फर्स्ट टाइम, पढ़ा ही नहीं कभी, फर्स्ट टाइम ही यहीं पढ़ रहे हैं? तो अगर उनको आता है तो दैट्स वेरी गुड बेटा, वैसे तो फर्स्ट टाइम का होता नहीं, तो भी आ जाता है तो दैट्स वेरी गुड। जो हम पढ़ रहे हैं वी आर डूइंग रिविजन, हम ऐसे नहीं पढ़ रहे, ये जो कंटेंट पढ़ा ये 4-3 दिन का तो मैक्सिमम है ही है, 3 दिन तो लगते ही लगते। चलिए बेटा, तो एग्जाम ओरिएंटेड चीजों की हमने बात करी। इसके अलावा जो क्वेश्चन है मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड बता देता हूं, कंसेप्ट हो चुका है और ज्यादा टाइम जैसा कि मैंने कहा था मैं नहीं लगाऊंगा, जो बेसिक कंसेप्ट एग्जाम ओरिएंटेड है उन्हीं की बात करूंगा। क्लास ओरिएंटेड चीजें तो बहुत सारी है, 17 क्वेश्चन जैसे कि काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, जैसे क्लास में करवाया हुआ है, तो 17 क्वेश्चन ये रहा। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, लेट मी क्लियर टू यू, 17 क्वेश्चन इज नॉट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, नॉलेज ओरिएंटेड इट इज बट नॉट एग्जाम ओरिएंटेड। 18 भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, आप खुद देख सकते हो कितना बड़ा इसका फॉर्मेट बना हुआ है 18 वाले का, तो 18 भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। नाइनटीन इज ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड, यू कैन ट्राई, काफी ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है, तो ये आप जरूर करके जाइए। कंसेप्ट वही है बेसिक, अगेन मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट 1% नया नहीं आएगा, जो पढ़ा है वही चीज आएगी। समहाउ थोड़ा बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है 19, और एक क्वेश्चन जो और मैं बता देता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड है और आपको करना चाहिए, ये रहा 15 इज इंपॉर्टेंट, हो जाएगा आपसे, ट्राई करेंगे आराम से। बस इसमें 2 इनिशियल टेबल बनेगी, बस ये मैं आपको आंसर शो कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, दिस इज द आंसर, स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका, अगर आप करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। नाइनटीन का भी शो, अरे आप लोगों को तो क्लास में कराया हुआ, 19 का क्या? चलिए, तो ये सभी आपने होपफुली कर लिए, और मेनली एग्जाम ओरिएंटेड मैंने जो आपको बताया, जो अभी 2 क्वेश्चन करे और एक 15 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। जो एक तो पहला इस चैप्टर का जो अपन ने फर्स्ट जो किया था वो उसी टाइप का था। तो दिस इज द एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, और आ भी रखा है एग्जाम। ये है कौन सा है, 13 है, फॉर नॉट 14, 13 है। ये जो क्वेश्चन है बेटा एग्जाम ओरिएंटेड है, इंपॉर्टेंट है। 13 है, 15 है, और आई थिंक वो जो अभी किया था फेरी वाला 16, ये 3 इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप देख रहे हैं दिस कैन नॉट बी शेयर्ड, तो आप ये मत कहना कि ये चीज शेयर कर दो, ये क्लास बोर्ड है, ये शेयर नहीं होता। नोट्स जो है क्लास के मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो स्टूडेंट्स के लिखे हुए नोट्स। आइए चलिए और अपन कुछ टॉपिक्स करते हैं, बेसिक क्लियर करने हैं अपन को। बाकी तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम में मैं आपको बता दूं बेसिक ही आता है। एग्जाम में ऐसे नहीं कि बहुत हायर लेवल कुछ आता है, एग्जाम में बेसिक ही आता है। तो अगर आपने वो बेसिक आपका क्लियर है तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। इसके बाद में हम आ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग पर। वैसे अगर बात करें ऑफलाइन एग्जाम में तो इसकी इंपॉर्टेंस कम रहती है, लेकिन ऑनलाइन मोड एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो ये चैप्टर जो है वैसे तो लेस इंपॉर्टेंट में आता है, लेकिन अगर ऑनलाइन मोड की बात करें तो इंपॉर्टेंट में आता है दिस चैप्टर। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग जो है ना बेटा वो पूरा नहीं दिया गया आपने। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ वेरी बिग टॉपिक, वास्ट टॉपिक है। तो लेकिन यहाँ पर हमें ओनली इक्वेशन फॉर्मिंग पार्ट दिया गया है, ओनली इक्वेशन फॉर्मिंग का पार्ट दिया गया, मतलब इक्वेशन बनाने का काम यहाँ पर दिया गया है। इस चैप्टर के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे दी जाती है और उससे हमें उन्हीं इंफॉर्मेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। आखिर काम क्या आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये आती है लीनियर प्रोग्रामिंग काम आता है बेटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। आप कम से कम रिसोर्सेज का, लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे ऑप्टिमम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, वो लीनियर प्रोग्रामिंग में काम आता है। दैट इज द यूज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, ये काम है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब आखिर लीनियर प्रोग्रामिंग काम क्या है, मेन कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर देखिए बेटा इक्वेशन बनाई जाती है। अब बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। एक क्वेश्चन हो गया, एक पार्ट हो गया, सारा सेम है, सारा सब कुछ सेम है। फिर थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, न्यू कंसेप्ट नहीं आएगा कोई भी, बस जो क्वेश्चन घुमाएगा वही घूमेगा, कंसेप्ट न्यू नहीं आएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ ये कंसेप्ट समझाने के लिए कि आखिर लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या कैसे इक्वेशन बनानी होती है। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है कि हम यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट ए, बी और सी। ये जो प्रोडक्ट है ना बेटा ये 2 मशीन से प्रोसेस होता है, मशीन 1 और मशीन 2। प्रोडक्ट ए पर मशीन 1 3 आवर्स लगाती है, प्रोडक्ट बी को प्रोसेस करने में मशीन 1 से 4 आवर्स लगते हैं, और प्रोडक्ट सी को प्रोसेस करने में 2 आवर्स लगते हैं। ऐसे ही मशीन 2 का है, मशीन 2 से भी ये तीनों प्रोडक्ट प्रोसेस किए जाए तो ये टाइम लगता है। और हमें यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है पर यूनिट का, मतलब इन प्रोडक्ट से जो हमको प्रॉफिट होता है वो हमें यहाँ पर गिवन है। और यहाँ पर देखें तो अवेलेबल मशीन आवर्स, मतलब इस मशीन की कुछ लिमिटेशंस है कि ये मशीन जो है, मशीन 1 मैक्सिमम 2000 आवर्स काम कर सकती है, और मशीन 2 जो है वो मैक्सिमम 1500 आवर्स काम कर सकती है। तो ये इंफॉर्मेशन है, इसी को हमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर बोला गया है फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशन। तो देखिए बेटा इक्वेशन बनाने के लिए इस इंफॉर्मेशन की हमको क्या करना है उसको समझते हैं कि आखिर कैसे इक्वेशन बनाई जाती है। सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही देखिए कि प्रॉब्लम किस टाइप की है। यहाँ पर 2 टाइप की प्रॉब्लम होती है बेटा, फर्स्ट मिनिमाइजेशन एंड सेकेंड वन इज मैक्सिमाइजेशन। अगर हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट गिवन है या टाइम गिवन है, ऐसी चीज गिवन है जिसको हम कम करना चाहते हैं, तो जो प्रॉब्लम होगी वो मिनिमाइजेशन की होगी। प्रोडक्ट का प्रॉफिट या सेल्स गिवन है तो जो प्रॉब्लम का टाइप होगा वो मैक्सिमाइजेशन होगा। यहां पर देख करके मुझे आप बताइए कि प्रॉब्लम का टाइप मिनिमाइजेशन है या मैक्सिमाइजेशन है। बताइए बेटा कि किस टाइप की प्रॉब्लम आपको दिख रही है इस एग्जाम्पल के अंदर, विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू आर सीन, कौन से टाइप की प्रॉब्लम आपको दिख रही है। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम दिख रही है, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है प्रोडक्ट का, वी कैन सी दैट। प्रॉब्लम का टाइप जो है वो मैक्सिमाइजेशन है। ठीक है सर, तो सबसे पहला काम हो गया कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना किस टाइप। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन की हो सकती है प्रॉफिट या सेल्स गिवन हो तो, मिनिमाइजेशन की हो सकती है कॉस्ट या टाइम गिवन हो तो। पहला काम हमारा हो गया, हम स्टेप्स भी देख रहे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं। देखिए ये सॉल्यूशन है और ये स्टेप है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहला काम कर लिया है, प्रॉब्लम का टाइप पहचान लिया। अब होता क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप ये प्रॉफिट कमाना चाहते हो। एक बात बताओ, ए प्रोडक्ट पर आप 8 यूनिट का प्रॉफिट, बी पर 12 रुपए का और 8 रुपए, 12 रुपए और 10 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हो। क्या सिर्फ आप 8, 10 और 12 रुपए ही कमाना चाहोगे? क्या सिर्फ इतना ही कमाना चाहोगे, बस 8 रुपए ही कमाना चाहोगे? या फिर आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बेच करके इसको प्रॉफिट को टोटल में मैक्सिमाइज करना चाहोगे? ये जो प्रॉफिट गिवन है ये तो एक एक यूनिट का गिवन है। क्या हम 1 यूनिट के प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहेंगे या फिर जो इन टोटल प्रॉफिट हो रहा है उसको मैक्सिमम करना चाहेंगे? बताइए, पर यूनिट प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए या टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए? जल्दी से मुझे बताइए, टोटल या पर यूनिट क्या मैक्सिमम करना चाहते हो? सर हमको तो टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए। अच्छा, टोटल प्रॉफिट कैसे निकालोगे मुझे बताओ? एक यूनिट पर 8 रुपए का प्रॉफिट होता है, टोटल प्रॉफिट आपको चाहिए तो कैसे निकालोगे? लेट्स से कि मैंने आपको बता दिया ए की 1000 यूनिट्स बनाई है, तो बताओ ए पर टोटल प्रॉफिट कितना होगा? बताइए फिर ए पर टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 8 रुपीज 1 यूनिट पर हो रहा है, टोटल 1000 यूनिट्स बनाई है, तो सर इट्स वेरी सिंपल, 8 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाई 1000 यूनिट्स, तो 8000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। बट द थिंग इज दैट कि कभी भी लीनियर प्रोग्रामिंग में ये तो बताया ही नहीं जाता कि आप प्रोडक्ट की यूनिट कितनी बना रहे हो। ये तो अल्टीमेटली हमको निकालना होता है। अगर हम पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग दिया होता तो निकालना पड़ता है, ये तो गिवन ही नहीं होता है। यूनिट्स कितनी बनाई, यूनिट्स पता ही नहीं है मुझे, यूनिट्स गिवन होगी ही नहीं। ये जो यूनिट्स मैंने आपको दे दी ना, ये गिवन नहीं होगी। तो यूनिट्स को ऑलवेज क्या करना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट होते हैं क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर ए बी सी है, तो हम इनको अज्यूम कर लेते हैं x1, बी की यूनिट को x2 और सी की यूनिट को x3 अज्यूम कर लिया। ऑलवेज यूनिट्स को अज्यूम करना है। अच्छा मुझे अब आप बताओ, ए पर टोटल प्रॉफिट कितना कमाओगे? ए का टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? सर 8 रुपीज पर यूनिट है, और कितनी यूनिट्स बना रहे हैं हम, ए की कितनी यूनिट्स बना रहे हैं? वी आर मेकिंग x1 यूनिट, टोटल हम x1 यूनिट्स बना रहे हैं, तो A पर हम टोटल प्रॉफिट कितना कमाएंगे? 8x1, we can say that। अच्छा ऐसे ही B का टोटल प्रॉफिट निकालना है मुझे। सर B की 1 यूनिट पर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 12 रुपीज, और B की नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बना रहे हैं हम? B की यूनिट्स बना रहे हैं x2, तो B पर हम टोटल कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे? 12x2। ऐसे ही सी का टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। सी की 1 यूनिट पर 10 रुपीज का प्रॉफिट अर्न हो रहा है, और कितनी यूनिट्स बना रहे हैं सी की? x3, तो टोटल प्रॉफिट कितना? 10x3 कमाएंगे। तो इन टोटल हम ये प्रॉफिट मैक्सिमम चाहते हैं, ये तीनों का प्रॉफिट मिला करके हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कमाना चाहते हैं। तो बेटा स्टेप 1 में तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम पहचानी जाती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में ओनली नंबर ऑफ यूनिट्स को अज्यूम किया जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम किसकी कितनी यूनिट्स बना रहे हैं। तो इसीलिए देखो, प्रोडक्ट्स की यूनिट को एज x1, x2, x3 अज्यूम किया जाता है। तो यहाँ पर देखो हमने अज्यूम कर लिया, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स, प्रोडक्ट ए की को x1, बी की यूनिट्स को x2 और सी की यूनिट्स को x3। ये काम भी हमारा हो गया है। फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम का टाइप पहचाना, सेकंड स्टेप में हमने यूनिट्स को अज्यूम कर लिया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम बताते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य बताया जाता है। उसके बाद हमारे दो ही टाइप के उद्देश्य हो सकते हैं, या तो किसी चीज को मिनिमम करना या किसी चीज को मैक्सिमम करना, मतलब प्रॉब्लम के टाइप पर डिपेंड करता है। अगर हमारे को कोई चीज मिनिमम करनी है या मैक्सिमम करनी है तो कैसे डिनोट करेंगे। अगर मैक्सिमम चाहिए तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ लिखा जाता है मैक्सिमाइजेशन z, और किसी चीज को मिनिमम करना है तो लिखा जाता है मिनिमाइजेशन z। मतलब ये हम इक्वेशन के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं हमारा इंटेंशन के वी वांट टू मिनिमाइज दिस थिंग और वी वांट टू मैक्सिमाइज दिस थिंग। तो अभी प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट को हम क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए स्टेप नंबर 3 में हम हमारा इंटेंशन बता रहे हैं मैक्सिमाइजेशन z लिख के, कि हम आगे जो भी बता रहे हैं उस चीज को हम मैक्सिमम करना चाहते हैं। तो किस चीज को मैक्सिमम करना चाहते हो आप मुझे ये बताओ, पहले प्रॉफिट को, कॉस्ट को, किस चीज को मैक्सिमम करना चाहते हो बताइए बेटा। विच थिंग यू वांट टू मैक्सिमाइज, कौन सी चीज को आप मैक्सिमम करना चाहते हो, प्रॉफिट को, कॉस्ट को, टाइम को, यूनिट्स को, किस चीज को यहाँ पर मैक्सिमम चाहते हो। सो प्रॉफिट को मैक्सिमम चाहते हैं, पर यूनिट प्रॉफिट मैक्सिमम चाहते हो या टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम चाहते हो बताओ मुझे, पर यूनिट प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट बताइए। टोटल चाहते हो, ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट बता रहे हैं हम यहाँ पर मैक्सिमम करना चाहते हैं। ए पर कितना प्रॉफिट कमाया था टोटल में, तो सर हम हमारा यहाँ पर प्रॉफिट देखा जाए, अगर अभी अभी हमने निकाला था, तो हम यूं कह सकते हैं क्या बताओ कि वी वांट टू मैक्सिमाइज, इसीलिए हमने क्या लिखा मैक्सिमाइजेशन z, मैक्सिमम करना चाहते हैं। अब क्या क्या करना चाहते हैं, ए का प्रॉफिट, ए का टोटल प्रॉफिट 8x1, बी का टोटल प्रॉफिट 12x2 और सी का टोटल प्रॉफिट 10x3। इन तीनों को मिलाकर के जो प्रॉफिट आ रहा है ना उसको हम मैक्सिमम करना चाहते हैं। इसी बात को हमने इक्वेशन की फॉर्म में बता दिया बेटा। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, मैक्सिमाइजेशन z इक्वल्स टू 8x1, 12x2 और 10x3, मतलब इस प्रॉफिट को हम मैक्सिमम करना चाहते हैं। जल्दी से बेटा बताइए यहाँ तक कि स्टेप क्लियर है कि नहीं, यस और नो जल्दी से मुझे कंफर्म करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप सभी को क्लियर है कि कैसे बनी, व्हाट इज द लॉजिक, कि किस तरीके से लॉजिकली ये स्टेप बनती है। अब फाइनली हम क्या करते हैं बेटा, 4 स्टेप आर मेन। फर्स्ट स्टेप बड़ी आसान है, फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम का टाइप पहचानना है, सेकंड में यूनिट्स को अज्यूम करना है, थर्ड और फोर्थ ही मेन होती है, जिसमें थर्ड भी आसान है, फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, और 4 हो गई तो बात खत्म। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप को बोलते हैं सब्जेक्ट टू फंक्शन। इस फंक्शन में इस लेवल पर हम हमारी लिमिटेशंस को बताते हैं, वी शो आवर लिमिटेशंस ओवर हियर। हमने ये तो बता दिया कि हमें इतना प्रॉफिट कमाना है, लेकिन इस प्रॉफिट को कमाने में हमारे लिए क्या क्या लिमिटेशंस है, हमारे लिए बाधाएं क्या है, हर्डल्स क्या है हमारे सामने, वो बताया जाता है यहाँ पर स्टेप 3 में आने वाली हर्डल्स को। क्या आप यहाँ पर कोई हर्डल देख सकते हैं मुझे बताइए, ये जो प्रॉब्लम थी क्या इसमें कोई हमारी लिमिटेशन हर्डल है क्या मुझे बताओ, क्या लिमिटेड चीज है हमारे पास कि इस प्रॉफिट को कमाने में जो हमें कमी पड़ सकती है, किस चीज की कमी, नाम बताओ आप मुझे उस चीज का। यस बोल रहे हो आप तो सभी बताइए क्या चीज है वो, विच वन इज दैट थिंग, कि ये जो प्रॉफिट हम कमाने वाले इन प्रोडक्ट्स पर जिसमें जो हमें कमी महसूस हो सकती है, दैट इज सर मशीन आवर्स की। यहाँ पर अगर हम सर देखें तो मशीन आवर्स जो है वो लिमिटेड है, मशीन 1 भी लिमिटेड काम कर सकती है, मशीन 2 भी, तो हम अनलिमिटेड काम करके प्रॉफिट नहीं कमा सकते, हमें इतने ही आवर्स काम करना है और उस प्रॉफिट को कमाना है। चलिए हम पहली लिमिटेशंस अगर देखें मशीन 1 के लिए, मशीन 1 की लिमिटेशंस को बता रहे हैं, ध्यान से समझना। मशीन 1 में प्रोडक्ट ए को बनाने में, प्रोडक्ट ए की एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, जल्दी से सभी बताओ, सबको पता है मुझे दिख रहा है, लेकिन फिर भी बताओ मुझे मशीन वन से प्रोडक्ट ए बनाएंगे, कितने आवर्स लगेंगे? जल्दी से बताओ मुझे कितने आवर्स लगते हैं? 3 आवर्स। अच्छा एक बात बताओ, प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट्स बना रहे हैं? प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट्स बना रहे हैं अपन? 1 2 3 4 5 हजार कितनी यूनिट्स बना रहे हैं बताओ? प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट्स बना रहे हैं उसको हमने अज्यूम करा था सर। प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट्स बना रहे हैं हम? x1। तो एक बात बताओ मुझे, प्रोडक्ट ए पर टोटल कितने आवर्स लग जाएंगे? यूनिट्स बन रही है x1 और एक यूनिट को बनाने में 3 आवर्स लगते, तो टोटल प्रोडक्ट ए पर 3x1 का टाइम लगेगा। अच्छा प्रोडक्ट बी पर कितना लगेगा फिर मुझे बताओ? प्रोडक्ट बी पर कितना लगेगा सर? प्रोडक्ट बी पर 4x2 और प्रोडक्ट सी पर 2x3। अब हमें इस बात को, इस लिमिटेशन को इक्वेशन की फॉर्म में बताना है, तो बताओ ऐसे बता सकते हैं क्या? 3x1 + 4x2 + 2x3, ये तो हो गए हमारे टोटल मशीन आवर्स। अगर इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो हमारे मशीन आवर्स आ जाते हैं टोटल जो हमको लगने वाले। अच्छा ये सारे मशीन आवर्स मिलाकर के हमने क्या बोला है? कितने से ज्यादा नहीं हो सकते, 2000 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पर कह दें ये सारे आर्स मिला करके या तो लेस देन होंगे या इक्वल होंगे किसके? 2000 आर्स के। बताइए ये बात कह सकते हैं कि नहीं? यस और नो, जल्दी से इस बात को समझे कि नहीं कि ये अपने सारे आर्स है, ये सारे आर्स मिला करके या तो कम होंगे या इक्वल होंगे किसके? 2000 के, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। हमारी फर्स्ट लिमिटेशन हो गई। एक और लिमिटेशन है, ये तो मशीन वन के लिए हुई, मशीन टू के लिए बताओ मुझे इक्वेशन बना करके क्या इक्वेशन बनेगी? बताइए जल्दी से बेटा, जल्दी से मुझे बताइए क्या इक्वेशन बनने वाली? बनाइए सभी इक्वेशन। x1 y तो आने का सवाल ही नहीं उठता है, y z तो है ही नहीं, अपन ने x1 x2 x3 माना हुआ है। ठीक है, काफी बच्चों का ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को बनाते हैं। देखिए सर हम यूं बना सकते हैं कि a में तो टाइम लगेगा 1 तो r लग रहा है और यूनिट्स x1, तो 1x1 कह सकते हैं या आप ओनली इसको x1 भी लिख सकते हैं। फिर देखें तो b प्रोडक्ट पर टोटल कितना टाइम लग जाएगा मशीन 2 से? 5x2 का, और इससे कितना लग जाएगा? क्योंकि ये r से बस इनके साथ में x1 x2 x3 तो लगाने हैं, क्योंकि इनकी यूनिट्स कितनी बना रहे हैं? x1 x2 x3। ये सारे आर्स मिला करके क्या हो सकते हैं बेटा? या तो कम हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं किसके? 1500 आर्स या मशीन आर्स भी आप लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर लिमिटेशन। आइए इस लिमिटेशन को शो करते हैं। ये फंक्शन क्या बताता है? आपकी लिमिटेशंस। तो देखो यहाँ पर 3x1 4x2 और 2x3 ये तीनों, ये सारे आर्स मिला करके या तो कम होंगे या इक्वल होंगे किसके? 2000 आर्स के। ये मशीन वन के लिए 1x1 5x2 3x3 ये सारे आर्स मिलाकर या कम होंगे या इक्वल होंगे 1500 आर्स के लिए मशीन 2 के। और लास्ट फंक्शन ऑलवेज कॉमन, ऑलवेज यही बात रहती है। लास्ट फंक्शन को हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव फंक्शन या वेयर फंक्शन। वेयर फंक्शन या नॉन नेगेटिव फंक्शन, ये फंक्शन आखिर क्यों बनाया जाता है? ये जो हमने यूनिट्स अज्यूम करी थी ना उसके लिए, उसका क्लेरिफिकेशन देने के लिए। अच्छा ये जो यूनिट्स अपन अज्यूम करते हैं बेटा, बताओ कभी भी ये यूनिट्स नेगेटिव में बन सकती है? बताओ नेगेटिव में यूनिट्स बन सकती है क्या कभी? क्या आप यूनिट्स को नेगेटिव में बना सकते हो कभी भी? बताइए मुझे यस और नो। नहीं सर, नेगेटिव नहीं बन सकती। तो ऑलवेज ये जो वेयर फंक्शन बनता है ना, ये किस लिए बनता है? कि हमने जो x1 x2 और x3 अज्यूम करे हैं वो या तो 0 हो सकते हैं या 0 से ज्यादा ही हो सकते हैं, कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। इसलिए ऑलवेज कॉमन रहेगा ये फंक्शन, ऐसा ही बनेगा सेम इक्वेशन हमेशा। x1 x2 और x3 जो हमने अज्यूम करे थे वो या तो ज्यादा होंगे या इक्वल होंगे किससे? 0 से। कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकते, इसी वजह से इसको नॉन नेगेटिव फंक्शन भी कहा जाता है। बस ये अपनी 5 इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या करा बेटा? टाइप ऑफ प्रॉब्लम पहचाना, प्रॉब्लम किस टाइप की होती है ये पहचानते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम में। सेकंड प्रॉब्लम में यूनिट्स को अज्यूम करते हैं एज x1, x2, x3। इसके बाद में थर्ड में हम हमारा बताते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है आखिर। फोर्थ में हम हमारी लिमिटेशन बताते हैं और फिफ्थ में हमारा नॉन नेगेटिव फंक्शन बताते हैं। These are the 5 स्टेप जो हमेशा यही रहती है। यहाँ पर जल्दी से मुझे कंफर्म करिए whether it is clear or not, yes or no, जल्दी से मुझे बताइए सभी बेटा क्लियर है कि नहीं, yes or no। yes है तो जल्दी से बताइए, no तो क्यों, किसी का कोई डाउट है तो बताइए। यस, थर्ड और फोर्थ स्टेप ऑलवेज चेंज होगी, बाकी तो सब वही सेम ही रहती है। यहां पर देखिए बेटा, वन मोर टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। यहां पर देखो 3 प्रोडक्ट है ए बी सी, इसमें रॉ मटेरियल जो लगता है वो दे रखा है, रॉ मटेरियल ए और रॉ मटेरियल बी लगता है फर्स्ट सेकंड। और यहां पर देखो प्रोडक्ट की अब क्या दे रखी, कॉस्ट दे रखी, तो प्रॉब्लम का टाइप क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन। और मिनिमम यूनिट्स रिक्वायर्ड बोल रखा है, मतलब इतनी तो लगेगी। प्रॉफिट में हर्डल कैसे आ सकती है कि प्रॉफिट कमाने में हर्डल तभी आ सकती है जब कोई चीज लिमिटेड हो गई, यार इससे ज्यादा तो है ही नहीं, आर्स मशीन आर्स है ही इतने, तब प्रॉफिट कमाने में हर्डल आ सकती है। और कॉस्ट में को मिनिमम करने में हर्डल प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, सर कॉस्ट को मिनिमम करने में हर्डल तब आ सकती है जब बोले नहीं इतने आर्स तो लगेंगे, इतना मटेरियल तो लगेगा ही, तब कॉस्ट को कम करने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स के दोनों के अंदर एक प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी चलिए इक्वेशन बनाते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मुझे बताते जाइए साथ साथ, अभी ये टॉपिक क्लियर, खत्म बात है फिर बस। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम बताइए मुझे, किस टाइप की प्रॉब्लम, टाइप ऑफ प्रॉब्लम बताइए सभी, जल्दी से बताइए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जल्दी से बताएंगे मुझे सभी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। प्रॉब्लम का टाइप मिनिमाइजेशन है, क्यों सर, क्योंकि कॉस्ट दे रखी है प्रोडक्ट की। सेकंड बताओ, सेकंड में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है बताइए मुझे। सेकंड स्टेप में सर अज्यूम किया जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स को, तो लो अज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की यूनिट्स को अज्यूम किया जाता है। ए की यूनिट को x1 अज्यूम कर लेते हैं, बी की यूनिट को x2 और सी की यूनिट को x3। लीजिए ये भी कर लिया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं बताइए, थर्ड स्टेप को हम क्या बोलते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं सर। थर्ड स्टेप इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हम हमारा ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उद्देश्य बताएंगे इस स्टेप के अंदर। चलिए सर हम हमारा ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा यहाँ पर कि सर हमें जो ये कॉस्ट है ना इसको कम करना है, तो यहाँ पर लिखना क्या पड़ेगा बेटा, मिनिमाइजेशन Z। मिनिमाइजेशन Z इक्वल्स टू, अब हम हमारी अगर किसी चीज को मैक्सिमम करना होता तो मैक्सिमाइजेशन z लिखते हैं, प्रॉफिट अगर गिवन होता तो, और अगर कॉस्ट गिवन है तो मिनिमाइजेशन z। किसको मिनिमम करेंगे बताओ जल्दी से मुझे, किस चीज को मिनिमम करेंगे, किस चीज को मिनिमम करेंगे सर, सर कॉस्ट को। कॉस्ट प्रोडक्ट ए की मुझे टोटल कॉस्ट बता दो कितनी लगेगी, प्रोडक्ट ए पर टोटल कॉस्ट बता दो मुझे कितनी लगेगी। टेल मी द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए। सर मैक्सिमाइज कैसे पता चलेगा बेटा, अगर यहाँ पर प्रॉफिट गिवन होता तो प्रॉफिट को तो मैक्सिमाइज करते हैं, कॉस्ट गिवन है तो उसको मिनिमाइज ही करेंगे। तो सर टोटल कॉस्ट बिल्कुल बेटा सभी का सही है, 5x1 आ जाएगी, क्योंकि एक यूनिट पर तो 5 का है और टोटल यूनिट्स जो है एक ही x1 बना रहे हैं। ऐसे ही 8x2 प्लस तीसरे प्रोडक्ट की 10x3, ये हमने हमारा ऑब्जेक्टिव बता दिया। नाउ फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में सब हम हमारी लिमिटेशन बताते हैं जिसको हम सब्जेक्ट टू फंक्शन बोलते हैं। सब्जेक्ट टू फंक्शन, देयर आर सम लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस है हमारी। वो लिमिटेशंस क्या है आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ये इतना मटेरियल तो लगने वाला है, पहले तो इसको लिख ही लेते हैं। ए में कितना लगेगा 4x1, बी में 6x2 और सी में 8x3, ये तो लगेगा ही। 4x1 प्लस 6x2 प्लस आई थिंक 8x3 था, 8 था। अब देखो इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं बेटा। ये सारा मटेरियल मिलाकर यहाँ क्या लिखा हुआ है, मिनिमम यूनिट्स रिक्वायर्ड, मतलब इतना तो लगना ही चाहिए, ये मतलब 5000 तो लगना ही चाहिए। तो बताओ ये जो मटेरियल है ये 5000 से कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, मुझे तो बस इसका आंसर दे दो। ये सारा मटेरियल मिलाकर के 5000 से कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। तो देखिए सर यहां पर बोला है मिनिमम इतना तो लगेगा ही लगेगा, 5000 तो आपको मिनिमम लगाना ही है। इसका मीन्स इससे ज्यादा हो सकता है, ये कम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये सर 4x1 प्लस 6x2 और 8x3 ये सारे के सारे या तो ज्यादा होंगे या इक्वल होंगे किसके, 5000 केजीज के। सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल देखो 1x3, 3x2 और 5x3। ये ज्यादा हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं किसके, 8000 केजी। और लास्ट जो है हमारा वो नॉन नेगेटिव और सब्जेक्ट टू फंक्शन के हमने जो x1, x2, x3, 4 भी हो सकता है जो अज्यूम किए थे वो ज्यादा होंगे या इक्वल होंगे किससे, 0 से। ये चीज हो गई यहाँ की। दोनों में फर्क क्या है देखो, यहाँ पर साइन अलग थे क्योंकि वहां पर बोला था कि मैक्सिमम इतने ही है और यहाँ बोला यहाँ तो मिनिमम इतने लगाने पड़ेंगे। इन दोनों में ये फर्क था। जल्दी से बताइए बेटा क्लियर है बात, यस और नो, जल्दी से बताइए। चलिए अब मुझे बताइए आप आगे इसी चैप्टर को करना चाहते हैं या फिर वो अपन दूसरा चैप्टर स्टार्ट करें, जल्दी बताइए मुझे। इसमें क्वेश्चन तो और भी है। चलिए बेसिक आपको आइडिया मिल गया है तो मैं नेक्स्ट वाले पर आ जाता हूँ। क्वीन मॉडल भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वाले चैप्टर में जो गया है उसके अंदर है उस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, उस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन एंड एक बैंक वाला कर लेना फॉर नॉलेज पर्पस। बैंक की जो लोन पॉलिसी बन रही है वो, और फिर थोड़ा पीछे जाकर के मटेरियल और वो दोनों लिमिटेड होते हैं वो वाले बता देता हूँ। चलो मैं आपको मॉड्यूल में दिखा देता हूँ कि विच क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। चैप्टर देखना पड़ेगा कहाँ पर है वो। देखिए बेटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में एक तो ये 30 वाला इम्पोर्टेंट, 29 एग्जाम ओरिएंटेड और जो मतलब करने लायक होते वही बता रहा हूँ जहाँ से कुछ बन सकता है 29। और कोशिश करिए थोड़े टाइम बाद आप बिना टेबल ही बना ले। ये मैंने टेबल में बताई थी लिमिटेशंस, आप डायरेक्टली रीड करके भी बता सकते हैं। 30 का आंसर भी देख लीजिए, या आप अगर आपने नहीं किया हुआ हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके काम आएगा। 30 का आंसर, 30 इज वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट। थर्टी थ्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्रैक्टिस और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर लो, पूरा चैप्टर कवर। आंसर अब मैं आपको शो कर देता हूं, इसका आंसर बड़ा है थोड़ा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं कह सकता मैं कि एग्जाम में आने लायक है, लेकिन हाँ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आ जाए तो क्या पता है, एग्जाम में प्रोफेशनल एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। थर्टी 34 काम का नहीं है, 35 रिपीटेड क्वेश्चन है, 36 भी नहीं है, एंड 37 वन। 37 काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब है बड़ा छोटा सा, लेकिन इफ यू गो टू द लॉजिक्स काफी अच्छे लॉजिक्स है 37 में। तो 37 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये उसका आंसर है 37। चलिए अब अपन आते हैं बेटा क्वीन मॉडल। देखिए बेटा, क्वीन मॉडल चैप्टर आखिर है क्या, व्हाट इज द मेन थिंग इन क्वीन मॉडल। बहुत छोटा चैप्टर है अगर देखा जाए तो, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग इसका लॉजिक पता चल गया चैप्टर के, वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है लेकिन आखिर कौन सी चीज कहाँ हो रही है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि कहाँ पर क्या चीज अप्लाई होनी चाहिए। देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये क्वीन मॉडल में क्यू का मतलब है, क्यू से बना हुआ है ये, क्यू का मतलब होता है लाइन, तो क्वीन मॉडल लाइन का मॉडल, इसको वेटिंग लाइन थ्योरी भी कहते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए बेटा इस चैप्टर में होता क्या, मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक बैंक है, ये बैंक में एक कैशियर है यहाँ पर और बैंक में ये कस्टमर आ रहे हैं। बैंक का इधर से एंट्री गेट है और इधर से एग्जिट गेट है, आप देख सकते हैं ये एंट्री हो गया, ये एग्जिट हो गया। अब होता क्या है कि क्वीन मॉडल में कस्टमर के आने से रिलेटेड, क्यू से रिलेटेड जितने भी एनालिसिस है वो सारे किए। जैसे यहाँ से कस्टमर एंटर हो रहा है तो एक कस्टमर को लाइन में वेट करने का कितना टाइम लगेगा, वेटिंग टाइम लाइन का, लाइन में आखिर कितने कस्टमर है, इस चीज का एनालिसिस क्वीन मॉडल के थ्रू किया जा सकता है। देखो इस लाइन में कस्टमर कितने हैं इस चीज का, और इस लाइन में कस्टमर को कितना टाइम लगेगा इस चीज का, दोनों एनालिसिस किए जा सकते हैं। देखो नंबर ऑफ कस्टमर इन लाइन या क्यू, या नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन लाइन, यहाँ से निकाले जाते हैं, एक ही बात है तीनों। नंबर ऑफ कस्टमर इन लाइन बोलो, नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू बोलो, नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन लाइन बोलो, तीनों बातें एक ही है। तो ये चीज अपन निकाल सकते हैं क्वीन मॉडल। कैसे निकाल रहे वो नहीं सीख रहे, क्या क्या चीजें निकाली जा सकती वो सीख रहे। दूसरा चीज कि यहाँ पर कितना टाइम लगेगा कस्टमर को, वो भी तो निकाले जा सकता है, इसको अपन कहते हैं टाइम स्पेंड बाय कस्टमर इन लाइन, ये भी निकाला जा सकता है कि लाइन में कितना। फिर कस्टमर यहाँ लाइन में लग करके आगे पहुंचता है कैशियर के पास पैसे जमा कराने, कैशियर के पास पैसे जमा कराएगा, वहां भी तो टाइम लगेगा, उस टाइम को क्या बोलते हैं, सर्विस टाइम बोलते हैं। तो सर्विस में कितना टाइम लगा वो भी निकाला जा सकता है, ये रहा टाइम स्पेंड इन टेकिंग सर्विस, यहाँ पर कितना टाइम लगा, और यहाँ पर सर्विस लेने के बाद एग्जिट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये भी तो निकाला जा सकता है कि सिस्टम में कितना टाइम लगा, मतलब लाइन में कितना खड़ा रहा बेचारा, और फिर सर्विस में कितना लगा। तो टाइम स्पेंड इन सिस्टम भी निकाला जा सकता है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम लगा, एंट्री से लेकर के एग्जिट तक, वो भी क्विन मॉडल के अंदर निकाला जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं टाइम स्पेंड इन सिस्टम। फिर एक चीज नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम भी निकाली जा सकती है, मतलब कस्टमर कहाँ कहाँ मिलते हैं, इस चीज को जरूर ध्यान से समझ लेना। कस्टमर या तो लाइन में होता है या सर्विस ले रहा होता है। तो लाइन वाले कस्टमर और सर्विस वाले ले रहे हैं, वो कस्टमर को अगर ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा ना कि सिस्टम में कितना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपको ये निकालना है कि सिस्टम में कितना टाइम लगा एक कस्टमर को, तो मुझे ये डायग्राम देख के बताओ कि कस्टमर को कहाँ कहाँ टाइम लगेगा, मुझे ये बता दो। एक कस्टमर अगर इस सिस्टम में एंटर होता है तो कहाँ कहाँ पर टाइम लगेगा, ये बता दो। आपको निकालना है टाइम स्पेंड इन सिस्टम निकालना है, तो मुझे बताओ कि एक कस्टमर को इस सिस्टम में कहाँ कहाँ टाइम लगेगा। टू प्लेस पर, बिल्कुल बेटा टू प्लेस पर लगेगा। टू प्लेस कौन कौन से? फर्स्ट तो वो आकर के लाइन में लगेगा, और सेकेंड सर्विस टाइम। तो क्या हम यूं बोल दें कि सर लाइन वाला टाइम और सर्विस के टाइम को अगर हम ऐड कर दे तो हमें पता चल सकता है कि कस्टमर को सिस्टम में कितना टाइम लगा। बताओ ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल बेटा ऐसा बोल सकते हैं, ये अपन कर सकते हैं। अच्छा मुझे टाइम नहीं, मुझे चाहिए सिस्टम में कितने कस्टमर है, सिस्टम में कितने कस्टमर है। अच्छा कस्टमर कहाँ कहाँ मिलेंगे मुझे बताओ इस सिस्टम के अंदर, कस्टमर कहाँ कहाँ मिलेंगे मुझे बताओ, इस सिस्टम के अंदर कस्टमर कहाँ कहाँ मिलेंगे। सर या तो कस्टमर लाइन में लगे होंगे या सर्विस ले रहे होंगे। तो सर जो जितने कस्टमर लाइन में है वो पता चल जाए और कितने कस्टमर सर्विस ले रहे हैं वो पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल लाइन में 4 कस्टमर है, सर्विस ले रहे हैं 2 कस्टमर, 4 + 2 पूरे सिस्टम में कितने 6 कस्टमर। तो लाइन वाले टाइम और सर्विस वाले टाइम को, या लाइन वाले कस्टमर और सर्विस वाले कस्टमर को जोड़ देते हैं तो पूरे सिस्टम का डेटा निकल जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, पूरे सिस्टम की डिटेल हमारे पास में आ जाती है इसके थ्रू। और भी काफी सारी चीजें हैं जो दैट कैन बी क्लियर थ्रू फॉर्मूला। अब इस चैप्टर के अंदर बेटा 2 टर्म्स, 2 चीजें जो सबसे ज्यादा काम आती है, फर्स्ट वन इज लैम्डा, सेकंड वन इज म्यू। इस लैम्डा और म्यू से ही सारे फॉर्मूले बनते हैं। ऑल फॉर्मूलाज आर मेड फ्रॉम दिस लैम्डा एंड म्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैम्डा? लैम्डा का मतलब है बेटा अराइवल रेट, के पर आवर में आपके पास कितने कस्टमर आ रहे हैं सिस्टम। जैसे एक घंटे में 10 कस्टमर आते हैं आपके पास, 10 इज योर लैम्डा, कि 1 आवर में कितने कस्टमर आ रहे हैं। कभी कभी ये मिनट्स में भी निकलता है, अगर आपको क्वेश्चन में डेटा सेकंड्स में गिवन हो तो लैम्डा फिर मिनट्स में निकलता है। वो बात दूसरी है, उस पर बात नहीं कर रहे, अभी जनरल बात कर रहे हैं कि पर आवर में आपके पास कितने कस्टमर आ रहे हैं, दैट इज लैम्डा। आप एक घंटे में 12 कस्टमर को सर्विस दे सकते हो, तो ये जो आपकी सर्विस रेट है ना एक घंटे में कस्टमर को सर्विस देने की, दैट इज नोन एज म्यू। कितने कस्टमर आ रहे हैं, अराइवल रेट इज लैम्डा, कितनों को सर्विस दे सकते हो, सर्विस रेट इज म्यू। तो ये लैम्डा और म्यू होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एट ए सर्विस स्टेशन 1 कस्टमर अराइव इन एवरी 3 मिनट, 3 मिनट में 1 कस्टमर आता है, और अटेंडेंट जो है वो 1 कस्टमर को 2 मिनट में अटेंड कर लेता है। व्हाट इज लैम्डा एंड म्यू? तो सर 1 कस्टमर आ रहा है 3 मिनट में, तो बताओ 1 घंटे में कितने आ जाएंगे। सर 3 मिनट का 1 कस्टमर, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स में 20 कस्टमर। तो दिस 20 इज योर लैम्डा। ये 20 हमारा क्या है बेटा, लैम्डा है ये 20। और वहीं आप 2 मिनट में 1 कस्टमर को सर्विस दे सकते हो, तो ये 2 मिनट में 1 कस्टमर को सर्विस दे रहे हो, तो 1 आवर में कितनों को दे दोगे सर, 60 मिनट्स में 30 को, 30 इज योर म्यू। तो ये होता है लैम्डा और म्यू। अच्छा अगर यहीं पर डेटा बेटा मुझे सेकंड्स में दिया होता ना कि 3 सेकंड्स में 1, तो फिर लैम्डा और म्यू किस में निकलते, मिनट में निकल जाते। तो जनरली यहाँ मिनट में डेटा गिवन होता है या आर में गिवन है तो कुछ करना नहीं, आर में गिवन है तो डायरेक्टली ले लो, मिनट में गिवन है तो लैम्डा म्यू आर में निकलते हैं। लेकिन अगर यहीं पर सेकंड में गिवन होता है कि 20 सेकंड में 1 कस्टमर आता है, लैम्डा निकालना है तो मैं मिनट में निकालता, 20 सेकंड में 1 तो 1 मिनट में कितने 3, तो लैम्डा 3 हो जाता। तो अगर कभी एक ही क्वेश्चन ऐसा है आपके मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन जिसमें सेकंड में डेटा गिवन। अब हमें कुछ फॉर्मूलाज बेटा यहाँ पर लर्न करने पड़ते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है लेकिन अंडरस्टैंडिंग से कंफ्यूजन ज्यादा होता है, आई हैव नोटिस्ड इन दिस चैप्टर। इसलिए हमको फॉर्मूला जो है वो लर्न करने पड़ते हैं और कुछ फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन भी जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे देखिए, सबसे पहला तो नंबर ऑफ कस्टमर बीइंग सर्व्ड हमसे पूछता है कि बीइंग सर्व्ड का मतलब क्या होता है कि एट ए पर्टिकुलर टाइम कितने कस्टमर सर्विस ले रहे हैं, बीइंग सर्व्ड निकालना है। तो कैसे निकालोगे, लैम्डा अपॉन म्यू। लैम्डा मतलब कितने कस्टमर आए हैं, फॉर एग्जाम्पल 30 कस्टमर आए हैं, यू कैन गिव सर्विस टू द 50, तो 30 डिवाइड बाय 50 आपका निकल जाएगा कि एट ए टाइम कितने कस्टमर सर्विस ले रहे होंगे। तो बीइंग सर्व्ड निकालना है तो लैम्डा अपॉन म्यू करना है। सेकंड, सिस्टम यूटिलाइजेशन रेशियो कि आप सिस्टम को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो, आपका सिस्टम कितना इफेक्टिवली यूज हो पा रहा है। फॉर्मूला सेम सा लग रहा है लैम्डा अपॉन म्यू, लेकिन यहाँ पर एम भी लगा हुआ है, लैम्डा अपॉन एम म्यू। एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है कि कितने सर्विस देने वाले लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी सर्विस रेट है 20, ये तो एक जने की, आपके पास ऐसा दो का स्टाफ है तो आपकी सर्विस रेट कितनी हो गई, 40। तो यहाँ पर लैम्डा अपॉन एम म्यू जो ये फॉर्मूला बना है, लैम्डा हमको पता है कैसे निकलता है, म्यू हमको पता है कैसे निकलता है, और ये जो एम है ना ये है नंबर ऑफ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विस, कि आपका स्टाफ कितना है वो है एम, दैट इज एम। और अगर कभी इंफॉर्मेशन ना हो तो m इक्वल्स टू 1 मान लेंगे। नेक्स्ट आता है सर सिस्टम आइडियल रेशियो, सिस्टम कितना खाली है। अगर आपको सिस्टम यूटिलाइजेशन पता है ना तो आइडियल आसानी से निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम यूटिलाइजेशन आया 0.80, तो आइडियल कितना है, जब 0.80 यूटिलाइज हो रहा है तो आइडियल 0.20 ही तो रहेगा। अगर आप ये पॉइंट्स में निकाल रहे हो, अगर यूं बोले तो 80% यूज हो रहा है तो 20% आइडियल है। तो सिस्टम आइडियल कैसे निकलता है, देखो 1 माइनस सिस्टम यूटिलाइजेशन करो। जनरली ये क्या होते हैं बेटा, पॉइंट्स में ही निकलते हैं, इसलिए 1 में से लेस होगा। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालते हो तो मल्टीप्लाई 100 कर लो और फिर 100 में से माइनस होगा। जैसे इसको 80% भी बोल सकते हैं, तो फिर यहाँ पर 100 - 80 होता है, यहाँ 1 की जगह 100 हो जाए। नेक्स्ट चीज जो सबसे ज्यादा काम, अगले एक दो फॉर्मूले सबसे ज्यादा काम आने वाले, बहुत ही ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन लाइन मतलब लाइन में कितने कस्टमर है वो, कस्टमर वेटिंग टू बी सर्व कितने कस्टमर सर्विस के लिए वेट कर रहे हैं वो, कस्टमर वेटिंग फॉर सर्विस बोले या नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू बोले, सारी बातें एक ही है। मतलब ये हमसे क्या जानना चाह रहा है, लाइन में कितने कस्टमर है ये जानना चाह रहा है। लाइन मतलब कौन सी जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर कितने कस्टमर है, ये कैसे निकालते हैं देखो ये मैं आपको बताता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, इसका फॉर्मूला है लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है जिस तरीके से अपन नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, आप में से किसी को इसकी ज्यादा, आई विल रिकमेंड कि आप डिटेल क्लास भी पढ़े, तो अगर कोई बच्चा है जिसके पास डिटेल क्लास नहीं है, नहीं पढ़ी हुई, आप मुझे बोल देना, आई विल शेयर दैट। तो ये जो है बेटा यहाँ से अपन निकाल सकते हैं नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू के लाइन में आखिर कस्टमर कितने हैं, लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। अब क्या होता है कि बेटा इसको जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, एल क्यू से, लेंथ ऑफ क्यू मतलब लाइन में कितने कस्टमर। एक और चीज यहाँ पर पूछी जाती है डब्ल्यू क्यू मतलब लाइन में कितने कस्टमर है ये तो पता चल गए, अच्छा लाइन में कितना टाइम लगेगा ये भी बता दो, जिसको हम WT बोलते हैं वेटिंग टाइम इन क्यू, वेटिंग टाइम इन लाइन। ये कैसे निकलता है देखिए, LQ डिवाइड बाय लैम्डा और मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60, क्योंकि जनरली मिनट्स में आता है और डेटा जो है मिनट्स में काम में लिया जाता है। यहां पर देखो बेटा LQ क्या है, LQ मतलब लेंथ ऑफ क्यू, लाइन में कितना टाइम लगेगा। अगर ये निकालना है लाइन का टाइम, कभी भी निकालना है तो पहले ये निकालना पड़ेगा कि लाइन में कितने कस्टमर है, LQ निकालना पड़ेगा, फिर LQ को डिवाइड कर दो लैम्डा से और इंटू 60 मिनट्स, तो हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए कराया। देखो इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं, आइए। ये हमने पढ़ लिया लाइन में कितने कस्टमर है ये कैसे निकलेगा, सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। और आप मॉड्यूल में एक क्वेश्चन करोगे ना तो इस म्यू के साथ में 2 लगा हुआ है, ऐसा क्यों है, अगर ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ना बेटा ऑटोमेटिक सिस्टम हो। उस क्वेश्चन में मिलेगा आपको, कार वाला क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक सिस्टम, छोटा सा क्वेश्चन, आई थिंक 9th क्वेश्चन होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक सिस्टम बोला हुआ है, तो ध्यान रखना म्यू के साथ में वहां पर 2 लगा हुआ है, तो जब भी ऑटोमेटिक सिस्टम हो तो 2 लगेगा। इस फॉर्मूले के अंदर 2 लग जाता है इस म्यू के साथ, ये ध्यान रखना, आप जब क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट आता है बेटा वेटिंग टाइम ऑफ ए कस्टमर इन क्यू। अभी अभी मैंने आपको बताया एल क्यू डिवाइड बाय लैम्डा इनटू 60 मिनट। अब मुझे एक चीज चाहिए बेटा, अब हमको निकालना है नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम। सिस्टम में कितने कस्टमर है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कस्टमर 2 जगह होंगे, या तो लाइन में या सर्विस ले रहे होंगे। सर्विस ले रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बीइंग्स और लैम्डा अपॉन म्यू। और लाइन वाले कस्टमर कैसे निकालना, ये रहा। तो अगर आपको कभी सिस्टम के कस्टमर पूछ ले तो एक तो लाइन वाले निकाल लेना लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा करके, और एक बीइंग सॉर्ट निकाल लेना। ये फॉर्मूला आपके बुक वगैरह में नहीं है, ये मैंने बनाया है एज पर लॉजिक, बन सकता है। बुक में आपको तो फॉर्मूले मिलेंगे अलग अलग, आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये 3-4 फॉर्मूले से ही सारे बनाएंगे अपन आगे, अब ये 3-4 फॉर्मूले से ही सारे बनाएंगे। आप तो लाइन वाला कस्टमर निकाल लो, लाइन वाले कस्टमर कैसे निकालते हैं, ये रहा सर, ऐसे निकालते हैं। और बीइंग सॉर्ट जो वहां सर्विस ले रहे हैं, हमने कहा था ना कस्टमर या तो यहाँ पर मिलेगा या यहाँ पर मिलेगा, यहाँ वाले कस्टमर कैसे निकाल सकते हैं, ये रहा सर। और यहाँ वाला बीइंग सॉर्ट कैसे निकाल सकते हैं सर, वो लैम्डा अपॉन म्यू करके। तो ये दोनों निकाल करके क्या कर दो, ऐड कर दो, तो सिस्टम के कस्टमर मिल जाते हैं बेटा, तो सिस्टम के कस्टमर मिल जाते हैं। सेकेंड थिंग आपसे पूछी जा सकती है मोस्टली जो है टाइम स्पेंड इन सिस्टम। सिस्टम में कितना टाइम लगा, तो सर सिस्टम में 2 ही जगह टाइम लगेगा, एक लाइन में और एक सर्विस लेने में। लाइन का टाइम अभी अभी सीखा कैसे निकालना है, एल क्यू डिवाइड बाय लैम्डा इनटू 60 मिनट्स का। अच्छा सर सर्विस टाइम कैसे निकाले, बेटा जनरली सर्विस टाइम क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे आपको क्वेश्चन ही दे देगा कि एक कस्टमर को 3 मिनट में सर्विस दी जा सकती है, एक कस्टमर को 4 मिनट में सर्विस दी जा सकती है। तो जनरली क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है व्हाट इज द सर्विस टाइम, ठीक है। और फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं 60 मिनट्स डिवाइड बाय म्यू करके, दोनों तरीके हैं। जनरली तो क्वेश्चन डायरेक्टली ही दे देता है। अब इसके बाद में एक लास्ट फॉर्मूला, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा छोटा सा ताकि क्लियर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट 0 कस्टमर इन द सिस्टम, रटने वाली बात आ गई फॉर्मूले। 0 कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कस्टमर को हम डिनोट करते हैं बेटा P0 से, P0 से डिनोट किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कस्टमर। कैसे निकालना है, 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू करके। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर इन द सिस्टम, मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि सिस्टम में 5 कस्टमर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 8 कस्टमर होने की क्या है, 10 कस्टमर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसको डिनोट किया जाता है PN। N का मतलब है नंबर ऑफ कस्टमर। अगर 4 कस्टमर पूछा है तो आप यहाँ P4 कर दो, इक्वल्स टू P0, मतलब P0 यहाँ पर लिखना है आपको। P0 कैसे निकालोगे, ये रहा ऊपर 1 माइनस लैम्डा अपॉन, फिर यहाँ लैम्डा क्वेश्चन में गिवन होगा या हम निकाल लेंगे, यहाँ म्यू क्वेश्चन में गिवन होगा या निकाल लेंगे, N क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे कि इसमें 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा। हमारे लर्न रखने वाले फॉर्मूला देखो, बीइंग सॉर्ट कैसे निकालेंगे, अब मैं आपको जल्दी से एक बार बता देता हूं। देखो बीइंग सॉर्ट कैसे निकालेंगे सर, लैम्डा अपॉन म्यू कर। सिस्टम यूटिलाइजेशन कैसे निकालेंगे, लैम्डा अपॉन एम म्यू कर। सिस्टम आइडियल रेशियो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस सिस्टम यूटिलाइजेशन। क्यू में कितने कस्टमर है, लाइन में कितने कस्टमर है, कैसे निकालेंगे, लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। क्यू का टाइम कैसे निकालेंगे, मतलब WQ वेटिंग टाइम इन क्यू कैसे निकालेंगे, LQ डिवाइड बाय लैम्डा इनटू 60 मिनट्स। सर LQ का मतलब क्या होता है, ये तो रहा क्यू में कितने कस्टमर है। इसके बाद में सिस्टम के कस्टमर कैसे निकालेंगे सर, सिस्टम के कस्टमर एक तो बीइंग सॉर्ट प्लस लाइन वालों को ऐड कर दो, निकल जाएगा। बीइंग सॉर्ट कैसे, ये रहा, लाइन वाले कैसे, ये रहा। सिस्टम का टाइम कैसे निकालेंगे सर, सिस्टम का टाइम 2 जगह लगता है सिस्टम में। टाइम एक तो कहां पर लगता है सिस्टम के अंदर, टाइम सर सिस्टम के अंदर टाइम लगता है एक तो लाइन में और एक सर्विस में। लाइन वाले टाइम और सर्विस वाले टाइम को जोड़ दो, आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्लास का वैसे टाइम हो गया है, सर आ गए हैं क्या? अभी तक सर आए नहीं, आई थिंक आए तो मुझे बता देना, अपन 10 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लेंगे सर से। चलो अब मैं इसका क्वेश्चन बताता हूँ बेटा, क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। आगे क्या सर? सर थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर टॉपिक। देखो बेटा ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने, जल्दी से देखना, टाइम कम है। कस्टमर अराइव एट अ बेकरी एट एन एवरेज रेट ऑफ 16 पर आवर्स। अराइव एट अ बेकरी 16 पर आवर, मतलब 1 घंटे में 16 कस्टमर आते हैं। ये क्या दे रखा है? 16 कस्टमर आ रहे हैं 1 घंटे, मतलब दिस इज लैम्डा। ये हमको लैम्डा दे रखा है 16 कस्टमर पर आवर। फिर बोल रहा है अराइवल कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 16। ये जो लाइन होती है ना, इस पर ध्यान ही नहीं देना, मतलब ये बोल रहा है कि एक के बाद एक ही कस्टमर आएगा, एक के बाद एक ही कस्टमर आएगा। वो चीज ईच क्लर्क कैन सर्व इन एन एवरेज ऑफ 3 मिनट्स, ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा 3 मिनट में एक कस्टमर को आप सर्विस दे सकते हो बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, म्यू कितना है आपको? म्यू कितना है जल्दी से बताओ सर। सर 3 मिनट में एक कस्टमर, तो 1 घंटे में कितने कस्टमर को सर्विस दे देंगे? 20 को। तो म्यू सर 20, लेमडा 16 निकल गया, म्यू 20 निकल गया। ये दो चीजें सबसे जरूरी है, दो चीजें हमारे पास है, सब कुछ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है पहली चीज अराइवल और सर्विस रेट, निकाल दिया। लेमडा इज अराइवल रेट, म्यू इज सर्विस रेट, दोनों निकल चुके। नेक्स्ट क्या निकालना है? नंबर ऑफ कस्टमर बीइंग सर्व्ड एट एनी टाइम, कस्टमर बीइंग सर्व्ड निकालने। कस्टमर वैसे सर आ चुके हैं, तो सर को मैंने 10 मिनट का टाइम मांगा है, तो सर ने बेटा जो एफए वाले हैं उनकी 10 मिनट में क्लास स्टार्ट होगी। अब देखो बेटा यहाँ पर ध्यान देना, नंबर ऑफ कस्टमर बीइंग सर्व्ड निकालना है। बीइंग सर्व्ड कैसे निकलता है? सर अभी अभी फॉर्मूला पढ़ के आए, लैम्डा अपॉन म्यू करके। और बीइंग सर्व्ड क्या बताता है कि आखिर कितने कस्टमर सर्विस ले रहे हैं हमारे सिस्टम। तो बीइंग सर्व्ड सर लैम्डा अपॉन म्यू करा, लेमडा इज 16 ये निकाला हुआ है, म्यू 20 0.8 आ गया निकल कर। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या पूछिए? सपोज इट हैज बीन डिटरमाइंड दैट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन लाइन। कस्टमर वेटिंग इन लाइन निकाल के दे रखा है यहाँ पे 3.2, आप चाहो तो खुद भी निकाल सकते हो। सर कस्टमर वेटिंग इन लाइन कैसे निकालते हैं? अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू इनटू म्यू माइनस लैम्डा। इसको अप्लाई करके चेक करो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सही है क्या। तो सर लैम्डा इज 16, 16 का स्क्वायर, म्यू ये रहा ऊपर 20, बस वैल्यू पुट करनी है ब्रैकेट में, म्यू माइनस लैम्डा 20 माइनस 16। इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने पर देखो अपने भी कितना आ रहा है 3.2, और क्वेश्चन भी क्या बता रहा है, खुद ही बता दिया था क्वेश्चन ने हालांकि 3.2। निकालना क्या है फिर? कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम, नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम निकालने। बताओ कस्टमर कहाँ कहाँ होते हैं, जल्दी से मुझे बताओ कस्टमर कहाँ कहाँ मिलेगा, जल्दी मुझे बताओ। नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम चाहिए मुझे, बताओ कस्टमर कहाँ कहाँ पर मिलता है सिस्टम में। सर बिल्कुल बेटा वेरी गुड, एक लाइन में और एक सर्विस लेता हूँ। अच्छा लाइन में कितने कस्टमर है बताओ बेटा मुझे, लाइन में कितने कस्टमर है सभी बताओ जल्दी से। अभी अभी निकाला लाइन में कितने कस्टमर है, नंबर ऑफ कस्टमर इन लाइन 3.2 कस्टमर लाइन में है, बिल्कुल बेटा वेरी गुड। और जो सर्विस ले रहे हैं बीइंग सर्व्ड निकाले थे वो भी, सर्विस ले रहे हैं कितने हैं जल्दी बताओ, कितने कस्टमर सर्विस ले रहे हैं। सर ये निकाला था बीइंग सर्व्ड 0.8 सर्विस ले रहे हैं, तो सिस्टम में दो जगह कस्टमर, 3.2 प्लस 0.8 4 कस्टमर हो गए। देखो तो मतलब ये हो गया कि दिस इज आवर सिस्टम, तो इस सिस्टम में यहाँ पर कितने कस्टमर है सर, यहाँ पर 3.2 है और इस जगह सर्विस ले रहे हैं 0.8, तो पूरे सिस्टम में कितने हो गए सर 4 हो गए। तो इस तरीके से ये निकलेगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखते हैं बेटा, number of customer or what waiting line or being served, the average time customer wait in line and the time average time in system, मतलब सिस्टम का टाइम निकालना है, सिस्टम में कितना टाइम लगेगा। सर वही दो जगह टाइम लगेगा, एक तो सर्विस लेने में टाइम लगेगा और एक लाइन में टाइम लगेगा। लाइन का टाइम कैसे निकालते हैं और सर्विस का टाइम कैसे निकालते हैं, अभी निकाल देते हैं। देखो नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कस्टमर एक तो लाइन में मिलेंगे वो 3.2 निकला था, सर्विस लेते हुए मिलेंगे 0.8 निकला था, और अभी अभी अपन ने ऊपर निकाला 4 कस्टमर आ गया। अब बात आती है टाइम स्पेंड इन सिस्टम, सिस्टम में कितना टाइम लगेगा। तो सिस्टम में भी दो ही जगह टाइम लगेगा, जब कस्टमर ही दो जगह होते हैं तो टाइम भी दो जगह लगेगा, एक लाइन में और एक सर्विस लेने में। सर लाइन वाला टाइम निकालने का अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको हम WQ से डिनोट करते थे, LQ डिवाइड बाय लैम्डा इनटू 60 करते। LQ मतलब सर लेंथ ऑफ क्यू, लाइन में कितने कस्टमर है, क्योंकि लाइन में कितना टाइम लगेगा अगर आपको ये निकालना है तो पहले ये निकालना पड़ेगा कि लाइन में कितने कस्टमर है, और सर लाइन में कस्टमर कितने हैं 3.2, ये हमने निकाला था। तो LQ की जगह हमने वैल्यू रख दी 3.2 की, लैम्डा ऑलरेडी डिटरमाइंड है 16, और 60 मिनट्स इस डेटा को टाइम को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। ओनली ये सॉल्व करेंगे ना तो आर में आ जाएगा, इसको सॉल्व करा 12 मिनट्स निकल करके आते। फिर सर्विस टाइम, अब सर्विस का टाइम हमको निकालना है। पहला तो मैंने बोला था क्वेश्चन खुद ही दे देगा, याद करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने बोला था ईच क्लर्क कैन सर्व 3 कस्टमर इन ईच कस्टमर इन 3 मिनट, मतलब एक कस्टमर को 3 मिनट में सर्विस मिल जाती है, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा था। अगर वो याद नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो, मैंने कहा था 60 मिनट्स डिवाइड बाय म्यू करके, तो 60 डिवाइड बाय म्यू कितना है 20, तो 3 मिनट्स ये निकल गया। तो सर एक बात बताओ, सर हमको सर्विस में टाइम लगेगा 3 मिनट का, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है निकाल भी सकते हो। लाइन में टाइम लगेगा 12 मिनट का, टोटल टाइम बताओ आपको सिस्टम में कितना लगेगा, जल्दी से मुझे सभी कंफर्म करिए कितना टाइम लगेगा। 12 मिनट्स तो हमको लाइन में लग जाएगा, और उसके बाद 3 मिनट्स वो कैशियर के पास पैसे जमा कराने में लग जाएगा, तो टोटल टाइम 15 मिनट्स, बिल्कुल बेटा वेरी गुड। तो टाइम जो है वो 15 मिनट आ गया, 12 मिनट तो यहाँ पर लाइन में और 3 मिनट यहाँ पर सर्विस में। इसके बाद आता है सिस्टम यूटिलाइजेशन, लास्ट थिंग। सिस्टम यूटिलाइजेशन अपन ने देखा ही था लैम्डा अपॉन एम म्यू करके, बड़ा आसान सा फॉर्मूला था। तो लैम्डा गिवन है, म्यू गिवन है, और हमने बोला था एम की वैल्यू गिवन ना हो तो 1 ले लेना, एम की वैल्यू अगर गिवन हो तो जो गिवन हो वो ले लेना। अच्छा एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में अब मैं देने वाला हूं, ये आप क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, आपको कोई भी दिक्कत आती है 8th नंबर क्वेश्चन इसको पूछ लेना। 8th नंबर, 7 और 8 दोनों एग्जाम ओरिएंटेड है। 9th क्वेश्चन मैंने आपको बोला था बेटा 9th क्वेश्चन में वही निकालना है नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम, लेकिन ऑटोमेटिक वाला सिस्टम है तो ध्यान रखना फॉर्मूला जो था लाइन वाला, मैंने बोला था ऑटोमेटिक सिस्टम हो तो म्यू के साथ 2 लगा देना, तो 9 तक आपका आराम से हो जाएगा। 10th क्वेश्चन भी, मतलब क्वेश्चन सारे आराम से हो जाएंगे, अब सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, बस यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट के कौन सा लगने वाला है। आपको डिटेल क्लासेस चाहिए आप मुझसे मांग लेना बेटा, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप मुझसे डिटेल क्लासेस मांग सकते हैं, आई विल प्रोवाइड फॉर दैट चैप्टर, और 1-2 चैप्टर अगर आपका कोई है तो आप मांग सकते हैं। तो जैसा कि अपन ने इम्पोर्टेंट सारा कंटेंट कवर कर लिया है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, आई विल गिव दैट। तो ये अपना इम्पोर्टेंट चीज हो गई, और क्वीन मॉडल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट चैप्टर, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्वीन मॉडल, तो अच्छे से करके ही जाना है। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, बाकी जो भी डाउट्स जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं पर्सनली। ठीक है बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ये क्वेश्चन क्लियर था क्या सभी का, एक बार जल्दी से मुझे ये बता दो, मैंने पूछा नहीं था। जो क्वेश्चन अभी किया था वो सभी को आ गया, क्लियर हो गया, थोड़ा जल्दी किया था अपन ने, जल्दी से मुझे ये कंफर्म कर दो फिर अपन क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। जल्दी से बताओ बेटा मुझे, ये जो क्वेश्चन किया था वो क्लियर हो गया था सभी का या किसी का कोई डाउट है? फिर अपन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें। क्वेश्चन शो कर देता हूँ बेटा एक बार आप लोगों को, अभी टाइम हो गया ज़्यादा, अच्छा वो आप देख भी नहीं पाए होंगे। हाँ नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, अब वो क्या बोर्ड क्लोज कर दिया है मैंने, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। सर आ गए, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, बाय बाय। सर आ गए हैं, सर कहाँ गए? सर अगर आप होस्ट बन सकते हैं तो बन लो, मेरा क्या काम नहीं कर रहा है यहाँ से थोड़ा सिस्टम। हेलो, हाँ सर 1 मिनट रुको, मैं ट्राई कर रहा हूँ पहले तो।